दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत को शानदार कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कैसे ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के हाथों में भारतीय टीम की कमान जाने के बाद भड़कते भारत के दिग्गज विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी एक दूसरे पर कैसे भिड़े, ये तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कि इन खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर क्या सनसनीखेज बयान जारी किए हैं, ये सब तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या में से कौन बनना चाहिए भारतीय टीम का कप्तान? इसका जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें, अभी ऋषभ पंत ने अपनी कप्तानी से कमाल करते हुए पंजाब किंग्स की टीम के खिलाफ हो रहे मुश्किल मुकाबले को भी जिता दिया है। इस जीत के बाद भारत के कुछ दिग्गज खिलाड़ी तो खुश हैं, तो वहीं कुछ दिग्गज परेशान भी हैं। सबसे पहले इनकी खुशी में खुशी जाहिर करने वाले विराट कोहली ने एक बड़ा बयान जारी किया है। इनमें उन्होंने बताया कि ऋषभ पंत एक बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं, साथ ही ऋषभ पंत आईपीएल में बहुत ही शानदार पहले भी खेलते आए हैं। उन्होंने बताया कि रोहित शर्मा को कप्तानी के दबाव से मुक्त कर दिया जाए और हार्दिक पांड्या या ऋषभ पंत में से किसी एक को भारतीय टीम का कप्तान घोषित कर देना चाहिए। इसके बाद इनका जवाब देते हुए रोहित शर्मा ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि विराट, तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या अभी इतने परिपक्व नहीं हुए कि उनको भारतीय टीम की कप्तानी दे दी जाए। इसके बाद उन्होंने बताया कि इन दोनों बल्लेबाजों को हम भारतीय टीम में ऐसे ही शामिल करेंगे ताकि ये अपना 100% दें और भारतीय टीम में अच्छा प्रदर्शन करें। अभी इन दोनों खिलाड़ियों को ध्यान हमें कप्तानी पर नहीं लगाना चाहिए, अभी इनको भारतीय टीम में बतौर खिलाड़ी ही शामिल करना चाहिए, जिससे कि इन पर कोई फालतू का दबाव न आए और ना ही दबाव में इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी खराब हो और वो भारतीय टीम से दबाव मुक्त होकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें और अपनी टीम को महत्वपूर्ण मुकाबले जिता कर दें। दोस्तों, इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के कप्तान और भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इन दोनों खिलाड़ियों ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या पर बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि अभी सही समय नहीं आया कि हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत को भारतीय टीम की कमान दे दी जाए। अभी तो ये बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है कि भारतीय टीम की कप्तानी को संभालने के लिए इन दोनों युवा खिलाड़ियों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की नई नई कप्तानी संभाल ली है। अभी रोहित शर्मा काफी लंबे समय तक भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले हैं। हाँ, उसके बाद हम मान सकते हैं कि ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या को काफी मैचों का अनुभव हो जाएगा और शायद इनको भारतीय टीम की कप्तानी मिल जाए। दोस्तों, ये थे भारतीय टीम के दिग्गज विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी के ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के ऊपर बयान। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर ऋषभ पंत या हार्दिक पांड्या में से किसी एक को भारतीय टीम की कप्तानी देने का समय आ चुका है? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली कैपिटल्स को एक शानदार टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिचेल मार्श, ललित यादव और सरफराज खान के तूफान से उड़ा पूरा पंजाब, कर दिया इनकी गेंदबाजी को पूरी तरह से तहस नहस, और क्या रही इस महा मुकाबले की हाइलाइट्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स में से कौन है इस आईपीएल का चैंपियन बनने की प्रबल दावेदार टीम? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बड़ा महा मुकाबला पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच में खेला गया। इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम के कप्तान मयंक अग्रवाल ने टॉस जीतकर अपनी टीम के लिए गेंदबाजी चुनी और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए उतरे पिछले मैच के हीरो डेविड वार्नर और मिशेल मार्श, तो वहीं पंजाब किंग्स की टीम के कप्तान मयंक अग्रवाल ने नई गेंद लियाम लिविंगस्टोन के हाथों में थमा दी और जैसे ही उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस पर डेविड वार्नर राहुल चहर के हाथों आउट हो गए और इस प्रकार से लियाम लिविंगस्टोन ने पहली ही गेंद पर डेविड वार्नर जैसे खतरनाक बल्लेबाज का विकेट चटकाकर सभी को चौंका दिया। इन्होंने ये बहुत ही अविश्वसनीय काम किया और इस प्रकार से दिल्ली की टीम दबाव में आ चुकी थी क्योंकि पारी की पहली ही गेंद पर इनकी टीम ने अपने बेहतरीन बल्लेबाज डेविड वार्नर को खो दिया और इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे दाएं हाथ के बल्लेबाज सरफराज खान, लेकिन स्ट्राइक मिशेल मार्श के पास थी। जैसे ही लिविंगस्टोन ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो इस पर मिशेल मार्श ने एक रन लेकर और अपनी टीम का खाता खोल दिया। अब स्ट्राइक पर आ गए नए बल्लेबाज सरफराज खान। जी हां, इसके बाद इन्होंने अगली गेंद पर सिंगल ले लिया और स्ट्राइक वापस से मिशेल मार्श को दे दी। इसके बाद लिविंगस्टोन ने इनको एक गेंद डॉट खिला दी, लेकिन इसके बाद जैसे ही गेंदबाज लिविंगस्टोन ने अपने ओवर की पांचवी गेंद डाली तो उस पर उन्होंने सिंगल ले लिया और स्ट्राइक वापस से सरफराज खान को दे दी। इसके बाद सरफराज खान ने इनकी ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार शॉट खेल दिया। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता तब
तक इन्होंने मिशेल मार्श के साथ मिलकर दो रन पूरे कर लिए थे और इस प्रकार से दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर एक ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 5 रन हो चुका था। ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम की खराब शुरुआत थी क्योंकि पहले ओवर में ही इनकी टीम का एक विकेट गिर गया था और इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही बने। लेकिन उसके बाद पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से दूसरा ओवर डालने के लिए आए रबाडन को मिशेल मार्श ने आड़े हाथों ले लिया और इन्होंने इनके ओवर की पहली ही गेंद पर 2 रन ले लिए और इसके बाद जैसे ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो इस पर इन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया और अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। और दोस्तों हाथों तब हो गए जब मिशेल मार्श ने इनके ओवर की तीसरी गेंद पर भी ताबड़तोड़ छक्का जड़ दिया और सभी के होश उड़ा दिए और इस प्रकार से इन्होंने इनके ओवर में 2 छक्के जड़कर रबाडा के परखचे उड़ा दिए और पंजाब को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया था। इसके बाद इस ओवर में एक सिंगल भी आया और इस प्रकार से इस ओवर में 15 रन आए। अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर 2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 20 रन हो गया था और इसके बाद ये बल्लेबाज कहां रुकने वाले थे। मिशेल मार्श को ताबड़तोड़ पारी खेल रहे थे तो वहीं देखते ही देखते सरफराज खान ने भी इनको देखकर आक्रामक रूप धारण कर लिया और पंजाब की टीम को तहस नहस करना शुरू कर दिया। सरफराज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 5वां ओवर डालने के लिए आए अर्शदीप सिंह ने इनको अपने ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल चहर के हाथों कैच आउट करवा दिया और इस प्रकार से पावर प्ले के पहले ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को खो चुकी थी। और हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में सरफराज खान ने 16 गेंदों पर 32 रनों की शानदार पारी खेली और उन्होंने अपनी इस पारी में 5 खूबसूरत चौके और 1 गगनचुंबी छक्का भी लगाया। इनके आउट हो जाने के बाद अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दाएं हाथ के बल्लेबाज ललित यादव ये मिशेल मार्श के साथ मिलकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अभी दिल्ली का विनाश की टीम का स्कोर 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 59 रन हो चुका था। अब ललित यादव 6 रन बनाकर खेल रहे हैं और वहीं मिशेल मार्श भी 20 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये दोनों बल्लेबाज दिल्ली कैपिटल्स की टीम को एक बेहतरीन स्कोर की तरफ ले जाएंगे या फिर नहीं। दोस्तों कैसे ऋतुराज गायकवाड़ और मोइन अली ने उड़ाए गुजरात की टीम के परखच्चे और क्या रही इस मुकाबले की हाइलाइट्स ये सब तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतरीन कप्तान, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों ये मुकाबला 2 बड़ी टीम चेन्नई और गुजरात के बीच में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में चेन्नई की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इसके बाद चेन्नई की टीम की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो वहीं गुजरात की टीम के कप्तान ने नई गेंद अपनी टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज मोहम्मद शमी के हाथों में थमा दी। मोहम्मद शमी ने अपने ओवर की शुरुआत बहुत ही शानदार अंदाज में की और इन्होंने अपने ओवर की शुरुआत की 3 गेंदें ऋतुराज गायकवाड़ को डॉट खिला दी और इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने इनकी 4वीं गेंद पर सिंगल ले लिया और सिंगल के साथ ही इन्होंने अपना और अपनी टीम का खाता खोल दिया और उसके बाद अब स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज डिवॉन कॉनवे आ चुके थे और इसके बाद जैसे ही मोहम्मद शमी ने अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो उस पर ये बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए और ये गेंद डॉट हो गई। इसके बाद जैसे ही मोहम्मद शमी ने इनको अपने ओवर की अंतिम गेंद डाली तो उस पर उन्होंने ताबड़तोड़ शॉट खेल दिया और तब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक इन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर 3 रन दौड़ लिए थे और इस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का स्कोर 1 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 4 रन हो गया था। इसके बाद गुजरात की टीम की तरफ से दूसरा ओवर डालने के लिए आए खुद इनकी टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या और पहली गेंद डेवॉन कॉनवे को नो बॉल डाल दी और इसके बाद अब अगली गेंद पर फ्री हिट था और इसके बाद हार्दिक पांड्या भाग्यशाली रहे। इस फ्री हिट पर इनके खिलाफ सिर्फ 1 ही रन बना और इसके बाद अभी स्ट्राइक पर ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे और इसके बाद हार्दिक पांड्या की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने सिंगल ले लिया और स्ट्राइक डेवॉन कॉनवे को दे दी और इसके बाद हार्दिक पांड्या ने लाइन और लेंथ को पकड़कर शानदार गेंदबाजी की और इनको अपने ओवर की लगातार 3 गेंद वाइड खिला दी और इसके बाद उन्होंने हार्दिक पांड्या के ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल ले लिया और इस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का स्कोर 2 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 8 रन हो चुका था। ये इनकी टीम की बहुत ही धीमी शुरुआत थी और इस धीमी शुरुआत को तेज करने के लिए डेवॉन कॉनवे ने 3रा ओवर डालने के लिए आए मोहम्मद शमी की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए सोचा लेकिन ये गेंद सीधा विकेट कीपर रुधिमान साहा के दस्तानों में जा गिरी और इस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 1 विकेट का नुकसान हो गया। अभी इनकी टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए मोइन अली आए
और अभी ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अभी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का स्कोर 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 47 रन हो चुका है। अभी ऋतुराज गायकवाड़ 23 रन पर हैं और वहीं मोइन अली भी 18 रन पर क्रीज पर डटे हुए हैं। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में ये दोनों बल्लेबाज चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को बेहतरीन स्कोर तक ले जा पाएंगे या फिर नहीं? दोस्तों ये महामुकाबला इतिहास की दो बड़ी टीम सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में कोलकाता की टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लेकर सभी को चौंका दिया। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर मैदान में बल्लेबाजी करने उतरे, तो वहीं हैदराबाद की टीम के कप्तान केन विलियमसन ने नई गेंद अपनी टीम के